जो महिला शिक्षक अभी मायके चली गई, देखिए आप एक महिला शिक्षक ने चली गई मायके, उधर से दौड़ 4 बजे सुबह निकलेगी, दौड़ते हुए विद्यालय रास्ता में कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा कि उसका जवाबदेही कौन होगा? क्योंकि क्या चाहते हैं वो? अच्छा, इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म है तो क्या कहिएगा? बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है सरकार। देखिए सर, मैं तो यही कहूँगा इसमें राजनीति की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अपने कह रहे ठीक कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा देश जो है त्यौहारों का देश है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं और यहाँ त्यौहार में कटौती कर देने से हम सभी परेशान हैं। लगता है कि रक्षाबंधन के दिन बच्चे लोग आएंगे पढ़ने के लिए विद्यालय में? ये सरासर सीधे सीधे हम लोग केवल स्कूल में बैठा करके परेशान करने का है। सरकार परेशान कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल शिक्षकों को परेशान कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन और मैं सुमित आपके साथ। बिहार में आजकल एक अधिकारी काफ़ी फेमस हो गए हैं और उनका जो डंडा है वो लगातार जारी है, लेकिन उनकी वजह से कुछ शिक्षा की जो व्यवस्था है बिहार में उसमें सुधार भी हुए हैं, लेकिन उनके जो कुछ कार्यों का विरोध भी हो रहा है। अभी हाल ही में एक उन्होंने चिट्ठी निर्गत की है जिसके अनुसार जो छुट्टियां हैं, कल राखी है और राखी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, दुर्गा पूजा की छुट्टियों को भी कम कर दिया गया है, जितिया जन्माष्टमी इन सब की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है और हवाला दिया गया है कि जो शिक्षा का स्तर है बिहार में उसको सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आज की कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को लेकर काफ़ी जो शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों में भी विरोध के स्वर जो हैं वो बुलंद किए जा रहे हैं, साथ ही आज जमुई में भी शिक्षक मौजूद हैं और शिक्षक जो हैं वो इस चीज़ का पुरजोर विरोध कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शार्दुल है। आप सरकारी शिक्षक हैं? जी जी, सरकारी उत्क्रम। छुट्टी आई है के पाठक की? जी जी। ठीक है, छुट्टी जो रद्द हो गई है कल की, दुर्गा पूजा की भी छुट्टी को भी थोड़ा कम कर दिया गया है, छठ पूजा की छुट्टी को भी कम कर दिया गया। ये बहुत दुखद बात है, हम लोग के आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। छठ पूजा आप मान लीजिए 4 दिन का है, 4 दिन का कार्यक्रम है, उसमें आप कटौती कर दिए 2 दिन का छुट्टी। अब 4 दिन का छठ पूजा जैसे पूरा देश, मेरा बिहार का लोकप्रिय पर्व है छठ पूजा, उसमें आप 2 दिन कटौती कर दिए, दुर्गा पूजा में आप कटौती कर दिए, कल देखिए पवित्र रिश्ता, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है रक्षाबंधन, उसमें आप क्या किए? कल विद्यालय हम लोग का खुला है। अभी जो महिला शिक्षक अभी मायके चली गई, देखिए आप एक महिला शिक्षक ने चली गई मायके, उधर से दौड़ 4 बजे सुबह निकलेगी, दौड़ते हुए विद्यालय रास्ता में कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा कि उसका जवाबदेही कौन होगा? क्योंकि ये आस्था का पर्व है, अपने भाई के पास गया, भाई यहाँ आया, ये कैसे मैनेज होगा? हम लोग के पाठक से जिसे ही पूछना चाहते हैं, हम लोग को तो बोल रहे हैं कि विद्यालय में नहीं पढ़ाते भैया, 9 से 4 आप देखिए कैसे पढ़ाते हैं, उस पर तो आप बोले थे, अभी आपको कितना आपको शिकायत मिल रहा? हम लोग जब खड़े उतरे हुए हैं तो आप हम लोग पर क्यों खड़े उतरे नहीं हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ के पाठक सर से कि ऐसा हम लोग साथ जागती क्यों पूरे बिहार में? हम लोग का विभाग आपको क्यों नज़र आ रहा और विभाग में आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा? आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर राजनीति भी काफ़ी चरम पर है, बीजेपी हमलावर है, बीजेपी सीधा कह रही है कि जो सरकार है वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। अब देखिए जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि रक्षाबंधन को लेकर भाई बहन का जो सौहार्द का परिवार है ये हमारी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? अभी शिक्षक हैं जी, क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर आलम। बताइए, रक्षाबंधन का जो है और चहलुम का भी जो छुट्टी है उसको भी कम कर दिया गया है, मतलब कटौती की गई छुट्टियों में? देखिए, भारत में जो त्यौहार है वो संस्कृति से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन जरा से इसको दूर रखिए आप। रक्षाबंधन जो है हुमायूं के टाइम में कर्णावती ने राखी भेज करके अपनी हिफाजत के लिए बोली थी, उस टाइम से रक्षाबंधन चला आ रहा है। अकबर के टाइम में, फिर जहांगीर के टाइम में, अकबर के टाइम में पूरे दरबारी लोगों को बुला करके, उसके परिवार के बुला करके रक्षाबंधन का मतलब राखी बंधवाया जाता था। जहांगीर फिर अब उसको अपना परंपरा को आगे बढ़ाया। जब राजतंत्र में इस तरह की बात थी तो लोकतंत्र में हम कहाँ ठहरे हुए हैं? ये लोकतंत्र का हिसाब है? बचपन से बड़ा हो गए, आप चले जाइए सेंट्रल की नौकरी में, चले जाइए स्टेट की नौकरी में, चले जाइए कहीं भी जाइए, रक्षाबंधन का 1 दिन की छुट्टी होती है। सर ने अभी सही बात बोला कि सुबह अगर महिला शिक्षक अगर विद्यालय जाएंगी तो अपने भाई को कैसे राखी बांधे? या तो राखी बांधे या तो विद्यालय जाए। एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब बड़ी समस्या उत्पन्न है और त्यौहार तो हमारे भारत के सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भावना से जुड़ा हुआ। तो ऐसा सारे त्यौहार में ही मतलब इस तरह की बात हो गई। दुर्गा पूजा में जहाँ 6 दिन 7 दिन 8 दिन की छुट्टी होती थी, वहाँ 4 दिन की छुट्टी हो गई।
अच्छा ऐसी इसके पीछे कारण क्या मानते हैं, क्या कारण है के पाठक ने ऐसे स्टेप उठाया? देखिए इसके पीछे ये मुझे नहीं पता कि उनका क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं वो। अच्छा इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म है तो क्या कहिएगा? बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है सरकार। देखिए सर मैं तो यही कहूँगा इसमें राजनीति की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है वो अपने कह रहे ठीक करें, लेकिन देखिए हमारा देश जो है त्यौहारों का देश है। ठीक है यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं और यहाँ त्यौहार में कटौती कर देने से हम सभी परेशान हैं। जैसे हमारा छठ पूजा, ये छठ बिहार जो है छठ पूजा के नाम से जाना जाता है ऑल ओवर इंडिया में, और छठ पूजा में ये 2 दिन की छुट्टी दी गई जिससे काफ़ी परेशानी बढ़ रही है। छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली सब में कटौती कर दी गई। और कल जो है रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्यौहार है। अब बताइए ऐसे समय में जो है एकाएक छुट्टी का आदेश आ जाना कि छुट्टी सारा रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे में बहने चाहे ससुराल जाएगी कि स्कूल आएगी। ठीक है दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही है। बताइए अगर वो आनंद फानंद में स्कूल आती है कुछ इसी बीच कुछ दुर्घटना घट जाती है इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए कारण क्या मानते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं के पाठक? सरकार का ये के पाठक का ये उनका जो क्या फरमान है क्या वो चाहते हैं समझ में नहीं आ रही है। तानाशाह जैसा बिहेव कर रहे हैं क्या? अब उनका बिहेव के बारे में क्या कह सकते हैं, वो IAS अधिकारी है, हम लोग तो छोटे मोटे कर्मचारी शिक्षक हैं और भी लोग हैं। क्या लग रहा है क्या कारण मानते हैं जो इस तरह की छुट्टियों में कटौती की गई है? देखिए पहले उत्पटांग हमेशा आदेश निकलते रहता है। अभी 30 तारीख पहले 30 तारीख छुट्टी सेंशन था पूरे राज्यभर में, यहाँ पूरे साल भर का कैलेंडर बनता है उसमें जो छुट्टियाँ थी वो पहले 30 तारीख को था और कल यहाँ फिर उसको 30 तारीख को बदल करके फिर 31 तारीख किया गया कल छुट्टी। बाकायदा उसका लेटर निकला हुआ है कि 31 तारीख को छुट्टी मिलेगा। अब फिर अचानक से आज ऐसा क्या पाठक जी के मन में आता है कि छुट्टियाँ रद्द कर दी गई रक्षाबंधन का, जबकि रक्षाबंधन का पर्व बरसों से चलता आ रहा है, छुट्टी भी मिलते आ रहा है, तो इसका तो कोई कारण नज़र नहीं आता है। एक कारण उन्होंने बताया है भाई कि RTA Act के तहत 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए विद्यालयों में, हमने तो 253 दिन पढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिए छुट्टी घटा करके 365 में आप 52 दिन घटाइए, संडे घटाइए, फिर 60 दिन ये घटाइए, 253 दिन आता है और 220 दिन से अधिक हम लोग 33 दिन अधिक पढ़ा रहे हैं, फिर भी उनको छुट्टी में कटौती क्यों करना पड़ रहा है पता नहीं। बिल्कुल तानाशाही रवैया है सरकार का। क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेगा सरकार को, क्या कहना चाहते हैं? इसका विरोध करते हैं हम लोग, सर जितने भी शिक्षा साथी है सब लोग इसका विरोध करते हैं। अब कल का समय है तो बच्चे सब विद्यालय आएंगे नहीं, ये छुट्टियां रद्द किया गया है बच्चों का। एक सर लगता है कि रक्षाबंधन के दिन बच्चे लोग आएंगे पढ़ने के लिए विद्यालय में, ये सरासर सीधे सीधे हम लोग केवल स्कूल में बैठा करके परेशान करने का है। सरकार परेशान कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल शिक्षकों को परेशान कर रही है। ठीक है और भी आपका क्या नाम है आप बताइए? मेरा नाम सैनू लाख है सर। कैसे क्या लग रहा है कि ये जो फरमान जारी किया है के पाठक ने शिक्षकों के हित में नहीं है? हमें तो नहीं लगता सर कि शिक्षकों के हित में है, क्योंकि ये साल तो हमेशा प्रतिदिन कुछ ना कुछ मतलब बदलाव होते जा रहा है। अभी हमारे कल मतलब छुट्टी मतलब रद्द करके आज का मतलब स्कूल भेजा गया कि कल हम आपको 31 को छुट्टी मिला का भाई बहन का रक्षा का त्यौहार है, तो हम लोग बहुत खुशी हुई। बहुत से महिला शिक्षिका भी स्कूल में है, अगर इस तरह का छुट्टी रद्द हो जाती है महिला शिक्षिका किस तरह से अपने भाई को या कोई उसका है तो ससुराल भी जाती है अपने भाई को रक्षाबंधन के लिए, तो ये बहुत दुखद लग रहा और बहुत हम लोग गुस्सा में है। लेकिन हमारे IAS अफसर जी KK पाठक है तो उसके प्रति हम लोग क्या कह सकते हैं? वो तो हम लोग जब आदेश निकाले कि 904 है तो अभी आप विद्यालय किसी भी बिहार के विद्यालय में चले जाएं तो देखेंगे 904 मतलब क्या मिल सकती है जब बच्चे विद्यालय आएंगे नहीं, किस प्रकार की गुणवत्ता शिक्षक बच्चों को मिल पाएगी? और भी एक व्यक्ति मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि KK पाठक जी ने जो ये निर्णय लिया है इससे जो शिक्षक हैं उनको परेशानी बहुत परेशानी हो रही है? परसों हम लोग का राज्य स्तरीय बैठक होगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है इन लोग को विरोध करके। पाठक का बहुत जोर विरोध होगा, परसों हम लोग का बैठक पटना में। अच्छा शिक्षक संघ के आप नेता भी हैं? जी सर, जिला मीडिया प्रभारी पंकज प्रकाश बच्चन। अच्छा तो क्या किस तरह का विरोध करने जा रहे हैं? विरोध इसका बहुत पुरजोर पर रहेगा, सड़क से सदन तक होगा, सदन में मामला उठेगा, विधायक से हम लोग मिल रहे हैं, विधायक सबसे क्षेत्र का सबसे मिलने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी बिहार में राजनीति भी होने लगी है? राजनीति तो होनी है, राजनीति तो होना जा रहा है कि सरकार जो है तुष्टिकरण की राजनीति। हाँ वो तो राजनीति करना है, लेकिन बीजेपी वाला भी तो नहीं करता हम लोग को। अभी बीजेपी नीतीश जी बीजेपी में चले जाएंगे फिर वही हाल होगा। RJD रहे, JDU रहे, BJP के लिए मेरे एक समान है, मेरी पूर्ण वेतनमान दर्जा नहीं देगा तो कोई पार्टी रहे हम उसका बहिष्कार करेंगे, जो हमको देगा उसको हम वोट करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, खासकर इन लोगों का कहना है कि जो महिला शिक्षक हैं, कल राखी है, ऐसा त्यौहार होता है जिसमें
जो बहनें हैं वो अपने भाई को राखी बांधती हैं, तो अगर कोई अपने ससुराल में होती हैं, कोई अपने मायके में होती हैं, तो उनको दूर जाना होता है राखी बांधने के लिए, और आनंद फानंद में फिर उनको स्कूल भी आना पड़ेगा, तो हो सकता है कि सड़क दुर्घटना हो जाए, उनकी मौत हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि ये सरकार की तानाशाही रवैया है, जबकि शिक्षक 9 बजे से 4 जब से के पाठक आए हैं, 9 से 4 की जो एक शेड्यूल बनाया गया है उस शेड्यूल का पालन कर रहे हैं, बच्चे भी स्कूल में आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इन छुट्टियों को कम करने से आखिर सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये समझ से परे है। साथ ही 220 दिनों की बात काम करने की बात हो रही थी, उस पर भी इन्होंने कहा कि हम लोग 253 दिन काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार छुट्टियों में कटौती कर रही है, तो एक बहुत ही तानाशाह रवैया सरकार का देखने को मिल रहा है। काफ़ी विरोध कर रहे हैं शिक्षक सभी जिलों में, इसका पुरजोर विरोध शिक्षक कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।